दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। गन्ने के जूस के फायदे तो हैं, लेकिन कई नुकसान भी हैं। दोस्तों अगर आपको भी गन्ने का जूस पीना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि गन्ने के जूस से कई लोगों को ब्लड कैंसर होना शुरू हो गया है। इसलिए स्वाद के लिए जबरदस्त, शरीर के लिए ठंडा और जेब के लिए किफायती गन्ने का जूस हमारी तीनों जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन क्या गन्ने का जूस पीने से नुकसान होता है? क्या शुगर के मरीजों को गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन सा वक्त है जब हमें गन्ने का जूस पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए? क्योंकि गर्मियों के मौसम में हम अंधाधुंध गन्ने का जूस पीते हैं, जिसके चक्कर में हम कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आप भी गन्ने के जूस के शौकीन हैं तो एक बार उसे पीने से पहले हमारी वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको गन्ने के जूस से जुड़ी सारी बातें बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों गर्मियों के मौसम में खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस मौसम में अपचन की समस्या बहुत ज्यादा होती है, और थोड़ी सी भी गर्मी अगर शरीर को लग गई तो तबीयत खराब होने में देर नहीं लगती। लेकिन एक चीज है जो आपको हर गर्मी में देखने को मिलेगी, और वो है गन्ने का जूस। क्योंकि गर्मी आते ही हर गली मोहल्ले में गन्ने के जूस की दुकानें खुल जाती हैं, और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पूरे दिन की थकान गन्ने का रस पीकर दूर कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये जेब के लिए काफी किफायती होता है। इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी गन्ने का जूस कई लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। जहां सबसे पहले तो ये खून को पतला करता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीकोसिनोल होता है जो आपके खून को पतला कर सकता है, जिससे रक्त का थक्का जमने में देरी होती है। ऐसे में अगर आप पहले से खून को पतला करने की दवाई पी रहे हैं तो गन्ने का जूस ना पिए। और अगर आपको बलगम या खांसी की समस्या है तो आपके गन्ने का रस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी अवस्था में गन्ने का रस पीते हैं तो शरीर में कफ की समस्या और बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, अगर किसी के पेट में कीड़े पड़े हों या फिर पेट से जुड़ी कोई समस्या हो तो गन्ने के रस का सेवन बिल्कुल ना करें। गन्ने के रस से जुड़ी एक अहम बात यह है कि उसे कभी भी रखे नहीं, बल्कि जैसे ही गन्ने का रस निकलता है उसे तुरंत ताजा पी लें, क्योंकि गन्ने के रस को 15 मिनट से ज्यादा रखने पर वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसको अगर कोई पीता है तो संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से ताजा गन्ने का रस का सेवन ही करना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है, क्या डायबिटीज के मरीजों को गन्ने का जूस का सेवन करना चाहिए? तो दोस्तों गन्ने के रस में प्राकृतिक शुगर की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में अगर आप मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी हैं तो आपको गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जो आपकी शुगर को अचानक से बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। दोस्तों हमें मालूम है कि गन्ने का रस बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग और स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसे पीने के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आप गन्ने के रस का जूस कब पिए और किस तरह गन्ने का जूस आपके लिए फायदेमंद है। जिसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि गन्ने का रस हमेशा साफ सुथरी जगह से पीना चाहिए। जिस गन्ने के जूस वाली दुकान में ज्यादा गंदगी है वहां पर जूस पीना यानी कि बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। और अगर संभव हो तो गन्ने का जूस बनाने के लिए जो गन्ने इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं उन पर भी ध्यान जरूर दें, क्योंकि अगर गन्ने खराब होंगे तो उसका रस भी बीमारी पैदा कर सकता है। और हाँ, गन्ने का जूस हमेशा ताजा ही पीना चाहिए। फ्रीज किया हुआ रस या फिर पहले से निकाला गया रस पीने से बचें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों गन्ने का रस निकालने के लिए ज्यादातर दुकानें मशीन का इस्तेमाल करती है, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि मशीन को चलाने के लिए खास किस्म के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल अगर पेट में चला जाए तो उसका बहुत बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए जब कभी भी आप गन्ने का रस पी रहे हैं बाहर से, तो इस बात को अच्छी तरह से देखभाल लें कि कहीं आपके गन्ने के जूस में हल्का फुल्का मशीन वाला तेल तो नहीं है, क्योंकि जूस देने वाला इंसान शायद लापरवाही में और ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में आपको जूस दे दे। लेकिन आपको अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना, और हमेशा जूस पीने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी है।
गन्ने का जूस पीते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि उसके जूस में किसी दूसरी चीज की मिलावट ना हो, यानी उसमें बर्फ वगैरह न मिलाई गई हो, क्योंकि गन्ने के जूस की दुकान पर जो बर्फ मिलती है वो जरूरी नहीं साफ पानी से ही बनी हो। गन्ने का जूस काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ काफी मात्रा में इसका सेवन कर लें। दोस्तों, अब तक आपको गन्ने के रस के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि हम दिन भर में कितने ग्लास गन्ने का रस पी सकते हैं। तो इसके ऊपर विशेषज्ञों का कहना है कि एक इंसान को दिन भर में 2 ग्लास से ज्यादा गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है, खासकर कि पीलिया या जॉन्डिस है, तो फिर गन्ने के रस की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पीलिया की बीमारी में ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। कई लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस समय गन्ने का जूस पीना चाहिए और किस समय नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप गन्ने का जूस कभी भी पी सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल धूप से निकलने के बाद ठंडा ठंडा गन्ने का रस ना पिए, क्योंकि इससे ठंडा गर्म एक साथ आपके शरीर में पहुंचता है, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। और अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो गन्ने का जूस पीना थोड़ा अवॉइड कर दें, क्योंकि इससे कफ और जुकाम हो सकता है। बाकी अगर आप बिना बर्फ वाले गन्ने का जूस पीते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गन्ने का जूस नेचुरली काफी ठंडा होता है, इसलिए उसमें ज्यादा बर्फ डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको गन्ने के जूस से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी आपको गन्ने का जूस कितना पसंद है कमेंट में बताना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।